हेलो दोस्तों, परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, कोरोना की वजह से दुनिया भर के देशों ने अपनी फ्लाइट को बंद कर दिया था, बॉर्डर को क्लोज कर दिया था। और जब अब आज की तारीख में कोरोना के हालात में सुधार हो चुके हैं तो फ्लाइटें भी खुलना शुरू हो चुकी हैं और अधिकतर देश अब पाबंदी भी हटा चुके हैं। लेकिन भारत ने अभी भी नॉर्मल कमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइटों पर 30 नवंबर तक पाबंदी लगाई हुई है, जिसकी वजह से फ्लाइट के टिकट बहुत महंगे चल रहे हैं। एयर बबल एग्रीमेंट के तहत और वंदे भारत मिशन के तहत फ्लाइटें चल रही हैं। फ्लाइट के टिकट महंगा होना, फ्लाइटें कम चलना, जो एक चिंता का सबब बना हुआ है, इसी से संबंधित संसदीय समिति जो कि ट्रांसपोर्ट टूरिज्म और कल्चर से संबंधित संसदीय समिति है, उसके 18 सांसदों ने सिविल एविएशन के वरिष्ठ अधिकारियों से मंत्रालय से कई सारे मुद्दों पर जवाब मांगे हैं, कई सारे बिंदुओं पर जवाब मांगे हैं और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटों को दोबारा शुरू करने के लिए कहा है। उस पर कहा है कि आप अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटों को दोबारा शुरू करने पर विचार करिए, क्योंकि हालात काफ़ी सुधर चुके हैं। इसके अलावा संसदीय समिति के 18 सांसदों ने, उसके सदस्यों ने सिविल एविएशन मंत्रालय से, उसके अधिकारियों से कहा है कि फ्लाइट के टिकट भी कम कीजिए, क्योंकि फ्लाइट के टिकट भी बेतहाशा बढ़े हुए हैं। साथ में ही कहा गया है कि जो 2 घंटे की फ्लाइटें होती हैं, जिसमें खाना इस समय नहीं दिया जा रहा है, 2 घंटे के कम के समय के फ्लाइटों में, उसमें खाना भी अब दिया जाए। इसके अलावा मांग की गई है कि जो किराया उसको कम किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटों को दोबारा शुरू किया जाए। और इसके अलावा कहा गया है कि जो एयर बबल एग्रीमेंट के तहत फ्लाइटें चल रही हैं और वंदे भारत मिशन के तहत जो फ्लाइटें चल रही हैं, क्योंकि वंदे भारत मिशन की जो फ्लाइटें शुरू की गई थी वो इस मकसद से शुरू की गई थी कि जो भारतीय विदेशों में फंसे हुए हैं उनको वापस लाया जाए। तो अब आज की तारीख में तो कोई भारतीय फंसा हुआ है नहीं, फिर वंदे भारत मिशन की तहत फ्लाइटों की क्या आवश्यकता है। संसदीय समिति के सभी सांसदों ने इस बात पर जोर दिया है कि इस समय नॉर्मल कमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइटों का शुरू होना बहुत ही जरूरी है। संसदीय समिति के सामने एविएशन सेक्रेटरी राजीव बंसल पेश हुए थे, इसके अलावा सिविल एविएशन के वरिष्ठ अधिकारी भी पेश हुए थे। तो संसदीय समिति ने इस बात पर जोर दिया है कि नॉर्मल कमर्शियल फ्लाइटें अब शुरू होनी चाहिए जल्द से जल्द। अब देखना यह दोस्तों कि भारत सरकार क्या करती है, एविएशन मंत्रालय क्या करता है, क्या 30 नवंबर के बाद पाबंदी हटती है या नहीं हटती है। बहरहाल दोस्तों, इस पर आगे कोई अपडेट होगी तो वो आप तक पहुंचाई जाएगी। इसके लिए आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, गुड बाय।